नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे स्थान पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ एक पत्थर की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है। यहाँ गांव वालों का मानना है कि यह जो पत्थर है यह एक मणि के रूप में है जो कि नाग के सिर का मणि है और इसी पत्थर के नीचे वह नाग स्थित है। यहाँ हर साल नागपंचमी में मेला भी लगता है और नागपंचमी के दिन ही वह नाग बाहर आता है अपने इस मणि की सुरक्षा करने के लिए। पुराने समय में दोस्तों यह भी कहानी कही जाती है कि यहाँ एक संवरा संवरी हुआ करते थे। संवरी मतलब जो सांप पकड़ती है, और उसके द्वारा ही इस मणि के बारे में पता चला, जिसे गौटिया देखना चाहता था, हासिल करना चाहता था। संवरी ने उस मणि को उसे नहीं बताया, लेकिन जब उसने उसको सांप दिखाया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से दोस्तों यह जगह काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी रहस्यमय जगह है। आपको इस मैदान में बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे जिनकी अलग अलग आकृति है। कुछ सांप जैसे हैं, कुछ अलग आकृति में हैं। माना जाता है पुराने समय में इस पूरे भाटा या फिर ज़मीन पर सांपों का राज हुआ करता था और सांप रहा करते थे। आज भी नागपंचमी में दोस्तों इस गुरुवाइन दाई की पूजा होती है। सर पर निकला था, आज अभी भी निकला थे। अच्छा। और अभी भी दर्शन हो थे। और मालिक कही तो कोला कहती निकली चाह बंगना ले बात कर रही देख डाली तो हड्डी पड़े रहे का के सर पके सर पके। हाँ, हड्डी पड़े रहे ना तो हड्डी लग देखी तो से सौर इनका थे एक आय पड़े है वो कहा थे तो चला जहन पूछे गौटिया हमार खाजी चीज तो है जात के सौरिन जासन तो कोई अहरू बिछरू सांप गोड़िया पिटपिटी असरिया ला खाट पियर रसन ऐसे की प्रश्न हो डाली। आओ भाई ये कहा पड़े सांप है गौटिया, सांप तो तुम्हारा भाठा महाव है, ये तो छोटे मोटे सांप है भाठा में है। कौन भाठा में तो गुरुवाइन दई एक था नाम के भाठा है वो आई मेरा कही कही तो गौटिया है कि मोलक में है वो दर्शन करा देते हो तो अच्छा रही से तो झन पूछा गौटिया दर्शन कराए ल कही तो हम मणि है ओकर मेरा और मणि ला देखे के प्रयास करिए तो मैं नहीं बाछिया खत्म हो जा। तो वो बोली कि नहीं 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 गोटिन तय मोला देखा सौरिन मैं देखियो ऐसे करी। तो दोस्तों, सुनकर आप भी हो गए ना आश्चर्यचकित। यह बहुत ही अनोखी कहानी है, रहस्यमय कहानी है जो छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव देवकिरारी से काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ एक पूरा ऐसा मंदिर है दोस्तों जिसे गुरुवाइन दाई मंदिर कहते हैं। यहाँ नागपंचमी में मेला भी लगता है। यह पत्थर यहाँ काफ़ी सालों से स्थित ऐसा माना जाता है और आज भी लोग इसकी पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। आज भी लोग इसकी पूजा करते हैं उस नाग सांप से और उस संवरी से जिसने उस मणि के बारे में बताया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसे अनोखे जगह छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग क्षेत्रों में है जिनके बीच जिनके नाम से लोगों के बीच में काफ़ी जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध है। ऐसी ही जनश्रुति इस जगह को लेकर है जिसे सांप मणि संवरीन और गोटिया की कहानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह है जांजगीर चांपा के एक छोटे से गाँव देवकिरारी में जो कि जांजगीर से 17, बिलासपुर से 36 और बलौदाबाजार से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं देवकिरारी के उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां मैंने आपको यह वीडियो बताया कि संवरी जो है वह पत्थर बन गई थी। इससे संबंधित कहानी क्या है दोस्तों, वो तो हम आगे आकर गांव में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको जगह जो दिखा देता हूं, यहां आप देख सकते हो इस जगह पर सब जगह पत्थर ही पत्थर है और पूरा यह मैदान ही पत्थरों से भरा हुआ है। इसी बीच में यहाँ आपको एक छोटा और पत्थर देखने को मिलेगा जिसे गुरुवाइन दाई के नाम से पूजा जाता है और इसे संबंधित कहानी क्या है वह आगे वीडियो में जानेंगे। यहाँ दोस्तों मेला भी लगता है और मेला जो है वो नागपंचमी के समय लगता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। चलिए फिलहाल चलते हैं, देखते हैं पत्थर में क्या खास है और उसके बाद चलते हैं फिर गांव की ओर और लोगों से जानते हैं इस पत्थर का सच। तो दोस्तों, तरौद और देवकिरारी गांव के बीच में स्थित इस गुरुवाइन दाई के भाठे में एक मंदिर है और यहाँ काफ़ी सारे आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। पुराने समय से लोगों का मानना है कि इसी पत्थर के नीचे एक सांप रहता है जो कि समय समय पर बाहर आता है, जिसके सिर पर नागमणि स्थित है और ख़ास करके नागपंचमी को जब यहाँ लोग पुराने समय में उसे दूध चढ़ाने आते थे। आज भी यहाँ पूजा करने के लिए दोस्तों नागपंचमी में लोग आते हैं, मेला लगता है और इसी पत्थर के सामने स्थित एक छोटे से कुंड में कितना भी दूध लाई और उसके लिए जो सामान है वो डाला जाता है और वह कुंड उसे पूरा सोख लेता है, ऐसा कहा जाता है। समय समय पर दोस्तों सांप बाहर भी आता है और लोगों द्वारा देखा गया है, ऐसा कहा जाता है।
पुराने समय की कहानी या जनश्रुति माने दोस्तों, तो एक कहानी संवरी और घोटिया से भी प्रचलित है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इस गांव की आखिरी बस्ती पर एक संवरी हुआ करती थी और एक घोटिया हुआ करता था इस गांव का। संवरी द्वारा सांप खाने की घटना को देखते हुए घोटिया द्वारा उससे पूछा गया कि तुम सांप क्यों खाती हो। तब संवरी ने कहा कि मैं सांप खाती हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव के बाहर भाठे में एक सांप रहता है जिसके ऊपर नागमणी है। तब घोटिया ने उस संवरी से उस सांप और उस नागमणी को देखने की इच्छा जाहिर की। हालांकि वह संवरीन उसे नागमणी और सांप के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर घोटिया को नागमणी के बारे में पता चल गया तो उस संवरी की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन दोस्तों ऐसे ही वह सांप बाहर आया और संवरीन ने उस नागमणी के बारे में उसे बताया और उसके बाद उसके प्राण त्याग दिए। उन्होंने उसे कफन ढाया और उसे नीम के पत्तों में ढांक दिया। बाद में उसने कहा कि जब मेरा भाई सवरा आएगा तभी तुम मुझे दफनाना, लेकिन उन्होंने उसे गांव के बाहर एक स्थान पर नीम पेड़ के नीचे दफना दिया, ऐसा भी कहा जाता है। दोस्तों इससे संबंधित जो कहानी है हम लोग गाँव की व्यक्तियों से और जाकर पूछेंगे, ताकि इसमें स्पष्टता हो कि यह कहानी क्या है और किस तरह से प्रचलित है। जहाँ तक बात रही दोस्तों इस स्थान की, तो इस स्थान पे आपको काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्य देखने को मिलेंगे जिससे ऐसा लगता है कि यह कहानी सच में हुई होगी, लेकिन सिर्फ यह एक जनश्रुति है ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। भाठा में भी आपको बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कहानी के दूसरे भाग के मुताबिक उनका जो मठ है वह यहाँ गांव के अंतिम छोर में बिलवापारा के पास एक नीम पेड़ के नीचे स्थित है। आप लोग यहाँ नीम का पेड़ देख सकते हो, अभी यहाँ इनका घर है और अभी भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। पहले समय में ज़्यादा के लोग आते थे जिन लोग इन कहानी को जानते थे। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको यह जगह। कहानी के मुताबिक दोस्तों उस सवरिन को बस्ती के बाहर नीम पेड़ के पास दफनाया गया था, जो कि इसी जगह को बताया जाता है। आज भी दोस्तों नागपंचमी के दिन वह गुरुवाइन दाई का पत्थर हवा में अपने आप उड़ने लगता है, ऐसा कहा जाता है। का नाम है तुम्हारा? यहाँ सिंह जगत। अच्छा, तो तुमन यही देवकिरारी गांव के निवासी हैं? हाँ। तो यहाँ हमन देवकिरारी गांव के शुरुआत में ही एक मंदिर देखथन, गुरुवाइन दाई मंदिर, जो काफी रहस्यमय है। वहाँ पत्थर भी रखे है। हाँ। से संबंधित क्या कहानी है, क्या किस्सा है, बारे में थोड़ा बतावा। अब सावन के महीना मना पंचमी में मालिक ओकर पूजा होते जी, तो पंचमी में पूजा होते तो मेला लगते, मेला लगते तो दूर दराज के आदमी आए रहते हैं और अपन देख ताक करते हैं, कबड्डी उबड्डी होते, बहुत बड़े भयानक मेला रहा थे। अच्छा। ओकर बाद मान ले कि वो नांग निकलते, तो नांग निकलते तो वही पूजा उजा करथन और ओकर बाद वो अलोप हो जाते। अच्छा। अलोप होए के बाद मान ले के तो हम मेला ठेला प्रतिबंध हो जाते और मानता तो बहुत दिन के है और पूर्वज मन जानना थे कि मानता ला कहा है कैसे है कैसे, मग सर पर निकला था आज अभी भी निकला थे। अच्छा। और अभी भी दर्शन होते बने। अच्छा। अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाते, बीच में ऐसे धारा फूटे और धारा के अनुसार से दूध वहाँ चल देते। अच्छा। कितको कंडाल पूरा दिन भर पंचमी के दिन जितका दूध डाली उतका माल लेके उमा डाला, वो पूरा अंदर चले जाते और चले के बाद ना सब लोग पी जाते शक्ति है। वहाँ कुछ सौरा सौरी की भी कहानी? हाँ हाँ भाई, गौटिया चंदन धर रही से। चंदन धर माल लेके इसमें घूमना घामना रही से, पहले तो भाठा रही से। भाठा के बाद चंदन धर गौटिया घूमने घामने इतनी निकली ना, यहाँ सौरी रही से। सौरी ना वो बस्ती अंदर के बाहर में रही से, तो सौरी ना का करी आई घूमे घामे, तब गरीबी ने अब बड़े किसान के बूता काम जाना आना मत सब लगे रहते, तो सौरीन सौरीन कैसे लगाए गौटिया तो कठे बनिहार में लले के तुमन जल्दी आवा जावा वो खेती निंदाई कोड़ाई जाए लहे। तब वो कमैलिन कस रही थे घर के चंदन धर के, तो हवा मालिक तो कोला कटी निकली चाह बंगना ले बात कर रही देख डाली तो हड्डी पड़े रहे,
का के सर पके सर पके हाँ हड्डी पड़े रहे ना तो हड्डी लग देखी तो से सौरिन कहे थे एक आय पड़े है वो कहे थे तो पहले जन पूछे गौटिया हमार खाजी चीज तो है जात के सौरिन जातन तो कोई अहरू बिछरू सांप गोड़िया पिटपिटी असरिया ला खाट पिया रसन ऐसे की प्रश्न हो डाली कौन है सौरिन है तो नहीं 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 कहते गलत बात है बड़े बड़े विकार विकार सांप ला तुम खाता तो थोड़ा कन एला मत खाओ भाई ये का पड़े सांप है गुटिया सांप तो तुम्हारे भाटा महावा है ये तो छोटे मोटे सांप है भाटा में है कौन भाटा में तो गुरुवाइन दई एक था नाम के भाटा है वो आई मेरा कही तो राव दाव किरारी के बीच में वो मेरे के सांप ला देखा गुटिया कही तो ठीक है कही तो गुटिया है कि मोलक में है वो दर्शन करा देते हो तो अच्छा रही से तो झन पूछा गौटिया दर्शन कराए ल कही तो हम मड़ी है उकर मेरा और मड़ी ला देखे के प्रसाद करिए तो मैं नहीं बाछिया खत्म हो जाहा तो वो बोली कि नहीं 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 गोटिन तय मोला देखा सौरिन मैं देखियो ऐसे कही तो कैसे ठीक है भाई अब विधि पीला था तो मैं देखियो मगर हमारे यहाँ भाई है नहीं है बाहर निकल गए मैं अकेला हाँ तभी झन देखा गौटिन गौटिया मान ले के ओकर बाद ना मोर भाई के आती आती मैं तुम देखिया तो मैं देखा दिया भाई तो गौटिया जिद्दी करीस नहीं मानिस नहीं मानिस ना तो सौरिन और सांप ला फिर पांच ठीक कच्चा पघाई और सादा कपड़ा लेके ओला मालिको में रखीस और अपन मंत्र बुलाई गा रात के 2 बजे रात के मंत्र बुलाई तो सनमन सनमन निकली सांप निकलीस ना तो देखीस तो मनील मढ़ा के सांप अपन हमें चेहरे बुले लगीस तो कोई नहीं रहे दोनों झेर रहे गौटी न माले के सौरिन तो गौटी सौरिन कहा छो वाय दे गौटिया वाय दे तो थोड़क दूर से ओला बताईस बताईस तो हाँ वहाँ जी हो छूट गए सौरिन सौरिन के छूटी तो वह बोले भी रही से सौरिन कि देखा गौटिया कोई मोरा आधारिक नहीं है मोला माटी वोटी झन दी है माटी झन दी है मोर भाई की इंतजार कर लिया भाई आही ना तो मोला जगा ली तो हाँ कही गौटिया प्रतिबंध डाले रही से डाले के बाद ना वह खत्म हुई तो कुछ नहीं करी मालिक कपड़ा तो पा दिन और लाल दिल्ली के पत्र ला ढके रही से कुछ दिन ओकर इंतजार करी से इंतजार करे के बाद ना देखी तो नहीं आई तो दफनवा दे वो बस्ती कथन ते मेरा बेलवा पारा मा और दफनवा को कोई मेरे मान सम्मान ओकर हुआ थे और पूजा यहाँ होत रही से भाटा मगर मान सम्मान वो मेरे हुआ थे तो उकरे नाम लेके सौरिन दई कथन गुरुवाइन दई के यहाँ नाम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कहानी आपने बहुत ही सार से सुनी। यहाँ के ग्रामीण द्वारा ऐसी ही कहानी बताई जाती है जिसमें इस पत्थर के पास एक सांप जिसके सिर पर मड़ी होती थी ऐसा कहा जाता है। और आज भी नागपंचमी के दिन यह जो पत्थर है जो मड़ी के समान है वह ऊपर हवा में उठने लगता है ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों आपको यहाँ आसपास बहुत सारे पत्थर इस भाटा में देखने को मिलेंगे। कुछ पत्थर जो है काफ़ी नुकीले हैं और सांप के स्केल्स के जैसे उनकी आकृति बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस भाटा में बहुत सारे पत्थर हैं जो अलग अलग आकृति में दिखाई देते हैं। दोस्तों कहानी काफ़ी दिलचस्प है। आपको यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये था देवकिरारी गांव का सवरिन दाई और गुरुवाइन दाई की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ आसपास गाँव में और गाँव के बाहर भी काफ़ी सारे लोगों को पता है जब खास मेला लगता है तब ज़्यादा भीड़ होती है। और पहले कहा जाता है सिर्फ किरारी गांव हुआ था, देव के कारण ही भगवान के कारण ही इसका नाम देव किरारी पड़ गया ऐसा भी कहा जाता है। आप लोगों को फिलहाल यह कहानी कैसा लगा, जगह कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी दिलचस्प लगा। इसे फिलहाल हम लोग कहानी ही मान के चलेंगे। आपको इस जगह का रहस्य अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।